नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, पकोड़े और मंगोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम मूंग की दाल के गोभी आलू वाले पकोड़े बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। संक्रांति के त्यौहार पर मूंग की दाल के पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, तो शुरू करते हैं बनाना। तो पकौड़े बनाने के लिए हमने ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है, 1 कप दाल ली है। तो ये पहले से ही दाल भिगो के रखी है। दाल को भिगोने के लिए पहले उसे अच्छे तरीके से धोना है और धोने के बाद पानी डाल के रख देना है। ये 2 से 3 घंटे में दाल अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो जाती है। और हमें जल्दी है तब थोड़ा गर्म पानी डाल दें दाल में, तो घंटे भर में ही दाल फूल जाती है। ये मैंने गर्म पानी डालकर ही दाल भिगोई है और घंटे भर में अच्छे तरीके से दाल फूलकर तैयार हो गई है। देखिए, चेक कर लेते हैं इस तरीके से दाल को हम अगर तोड़ कर देखें तो देखिए पूरी कट रही है। ये दाल अच्छे तरीके से भीग गई है। तो अभी थोड़ा सा इसको इस तरीके से मसल लेंगे ताकि इसका छिलका अलग हो जाए। बड़ी आसानी से इसका छिलका अलग हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें थोड़ा पानी और डाल लेते हैं और इसे इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि छिलका ऊपर आ जाए। छिलका देख रहे हैं आप, तैर कर ऊपर आ रहा है ये। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलाते हुए और इस पानी को निकाल देंगे। देखिए, ये छिलके छिलके ऊपर से तैर कर निकल जा रहे हैं। तो जितने छिलके निकल सकते हैं उतने निकाल देते हैं। एक बार फिर से इसमें पानी डाल देंगे और बस इस तरीके से हिलाकर फिर से छिलके निकाल देते हैं। और अब ये इस दाल में जो छिलके बचे हैं वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े छिलके हमें दाल में चाहिए। दाल को पीसने के लिए जार में डाल देंगे। पानी बिल्कुल नहीं लेना, पानी पीसने के हिसाब से जितना ज़रूरत होगी उतना डाल लेंगे। इसमें ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर ले लिया है, काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। और ये 4 हरे मिर्च, इनको 2 टुकड़ों में काट देते हैं। इन्हें भी दाल के साथ पीस लेंगे। दाल को एकदम महीन पीसना है। ये दाल पीस ली इस तरह की, एकदम महीन पीसी है। दाल पीसने में बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन जार में 1 टेबल स्पून पानी डालकर ले लिया है। मसाले मिलाते हैं इसमें। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे पकौड़ों में अच्छा सा कलर आएगा। और 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हमने हरी मिर्च भी डाली है, मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 पिंच हींग, दाल के पकौड़े बना रहे हैं तो हींग जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस समय मेथी सीजन में है, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये आधा कप बारीक कटी हुई हरी मेथी, मेथी नहीं डाल रहे तो हरा धनिया डाल लीजिए। सारी चीज़ों को मिलाते हुए दाल को 4-5 मिनट अच्छे तरीके से फेंटते हैं। दाल को हमने पूरे 5-6 मिनट तक फेंट लिया है और देखिए ये बैटर कितना फूला फूला दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से पकौड़े फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। तो दाल को तो ज़रूर ज़रूर फेंटना है। दाल तैयार हो गई। अब बनाते हैं पकौड़ों के साथ परोसने के लिए हरे धनिए की चटनी। तो ये हमने लगभग 1 कप हरे धनिए ले लिए काट कर। धनिए को अच्छे तरीके से धोया, पानी सुखाने तक सुखा लिया और इन्हें मोटा मोटा काट लिया। और ये आधा नींबू ले लिया है, बड़ा नींबू था। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरे मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। अदरक को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट कर डाल देंगे और मिर्च के भी 2-2 पीस कर देते हैं। धनिया, जीरा, नमक और ये नींबू का रस। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, बस 2-3 टेबल स्पून। तो ये हमने चटनी पीस ली। निकाल लेते हैं चटनी को प्याली में। तो ये हो गई हमारी हरे धनिए की तीखी तीखी चटनी तैयार।
पकौड़ों के लिए गोभी फ्लोरेट करके ले लिए हैं अच्छे तरीके से धोकर, पानी सुखाकर, और दो आलू ले लिए हैं। आलू को छीला नहीं है, छिलके वाले ही आलू से पकौड़े बनाएंगे, ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। आलू कटकर तैयार हो गए। पकौड़े तलने के लिए तेल पहले से ही गरम करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा दाल का बैटर इसमें डालते हैं। ये दाल का बैटर जल्दी से सीख कर ऊपर आकर तैरने लगा है, तेल गरम है। पकौड़े तलने के लिए तेल मीडियम हाई गरम चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। तो ये आलू के टुकड़े उठाएंगे, एक एक आलू को दाल में डिप करेंगे। आलू के दोनों ओर दाल का बैटर लग जाए और पकौड़े तलने के लिए ऑयल में डाल देंगे। सारे आलू को इसी तरीके से डिप करके ऑयल में डालते जाना है। जितने पकौड़े एक बार कढ़ाई में आ जाए उतने डाल देंगे। और अब इन्हें थोड़ी देर तलने देते हैं। ये नीचे की साइड से हल्के से सिक गए हैं, इन्हें पलट लेते हैं। इन्हें पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन करेंगे, क्रिस्प करेंगे। ये दोनों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं। और बचे हुए आलू से इसी तरीके से पकौड़े तल लेंगे। ये आलू के पकौड़े तलकर तैयार हो गए। अब बनाते हैं फूल गोभी के पकौड़े। एक एक टुकड़ा गोभी का उठाएंगे और बैटर में लपेट कर कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है। जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाए तो इन्हें थोड़ा घुमा दीजिए, अलट पलट दीजिए और चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। और देखिए ये भी कितने अच्छे ब्राउन हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। और बचे हुए गोभी के पकौड़े भी इसी तरीके से तल लेंगे। मूंग की दाल के गोभी आलू वाले पकौड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ में गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और बनाना बहुत आसान है, लेकिन दाल को पीसने के बाद आप 5 मिनट ज़रूर फेंट लीजिए, बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे। तलते समय ध्यान रखना है तेल मीडियम हाई गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। आप बहुत अच्छे पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।